अंडमान निकोबार में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत ने एक नई योजना बनाई है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को विस्तार देने के लिए अगले 10 सालों में 5,650 करोड़ की लागत से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के पूरा होने पर क्षेत्र में अतिरिक्त युद्धपोत, विमान, ड्रोन, मिसाइल बैटरी और पैदल सैनिक तैनात किए जा सकेंगे। काफी लंबे समय तक चली टॉप लेवल की चर्चा के बाद अंडमान और निकोबार कमान के लिए ये विकास योजना तैयार की गई है। इस योजना की समीक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाली डिफेंस प्लानिंग कमेटी ने भी की है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। आइए जानते हैं कि भारत की अंडमान में सशक्त उपस्थिति के क्या मायने हैं। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना अंडमान और निकोबार कमांड देश की एकमात्र थिएटर कमांड है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के मैन पावर शामिल है। 2027 तक सशस्त्र बलों की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना पर चल रहा है काम। सेना में जवानों की संख्या को बढ़ाने के लिए लगभग 5,370 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। 108 माउंटेन ब्रिगेड को अपग्रेड किया जाएगा। नई वायु रक्षा प्रणाली समेत इन्फेंट्री बटालियन को भी शामिल किया जाएगा। नौसेना के हाईवे स्टेशन पर रनवे और दक्षिण में कैंपबेल बे को बड़े विमानों के परिचालन में मदद के लिए 10,000 फीट तक बढ़ाया जाएगा। कामोटा द्वीप पर 10,000 फुट का एक और रनवे भी बनाए जाने की योजना है। लंबी दूरी तक समुद्री गश्ती में सक्षम पोसिडोन 81 विमान समेत हेरॉन 2 जैसे निगरानी ड्रोन पहले से ही तैनात हैं। गश्ती विमान डोर्नियर 228 समेत MI-17 V-5 हेलीकॉप्टर भी जल्द ही अंडमान में तैनात किए जाएंगे। भारत लगातार जल, थल और वायु में अपने सैन्य स्थिति को मजबूत कर रहा है। भारत ने अपने चहुमुखी विकास पर ध्यान देने के साथ ही रक्षा क्षेत्रों में भी अपनी स्थिति को सशक्त बनाने पर ध्यान दिया है। एक तरफ पड़ोसियों के साथ भारत अपने संबंध मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विकास के मामले में आने वाले दिनों में अन्य देशों को भी पीछे छोड़ने की स्थिति में पहुंच गया है। और भारत के विदेश नीति निर्माताओं को इतना पता है कि भारत को विश्व मंच पर सशक्त देश के रूप में पहचान मिले, इसके लिए ये जरूरी है कि भारत को न सिर्फ सीमा क्षेत्रों को सुरक्षित किया जाए, बल्कि अंडमान में भी भारत की स्थिति को मजबूत किया जाना जरूरी है। और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी जरूरी है, क्योंकि भारत के इर्द गिर्द अगर चीन की स्थिति मजबूत होगी तो वो अपनी मजबूत स्थिति का प्रयोग भारत को अस्थिर करने में लगाएगा। इसीलिए भारत अंडमान में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के लिए वंदना सिंह की रिपोर्ट।